दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक ऐसा नाश्ता जो ना तो इडली है, ना ही ढोकला है, ना ही सैंडविच, ना ही बर्गर। फिर भी घर में बची हुई ब्रेड से ये नाश्ता बिल्कुल आसानी से और झटपट से बन करके तैयार हो जाता है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में या लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर इस नाश्ते को शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है, उसमें डाला है नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तेल और 1/2 कप मैंने पानी लिया है, जिसे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी को डाल करके एक हम लोग स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। पानी को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी को डालते हुए हम लोग अच्छे से चलाएंगे, जिससे कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे और हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ बन करके तैयार हो। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना गाढ़ा है। अब इसे रेस्ट पर छोड़ देते हैं और एक पैन लेंगे, जिसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां और 1 कटा हुआ प्याज। इन सारी चीज़ों को हल्का भूनते हुए हम लोग सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसमें 1 कटा हुआ गाजर डालेंगे, जिसे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप कॉर्न, 1 कटी हुई शिमला मिर्च और इन सारी चीज़ों को हल्का भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का भूनना है, जिससे इनका क्रंचीनेस बरकरार रहे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच टमाटो केचप और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। मेरे पास यहाँ पनीर था तो मैंने थोड़ा सा पनीर यहाँ डाल दिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को भूनते हुए हम लोग फिलिंग तैयार कर लेंगे। अब मेरे पास देखिए ये ब्रेड मेरे घर में बच गई थी, मैंने इसे ले लिया है और आप इसे किसी भी साइज़ की कटोरी एक सेट कर लें, उसी कटोरी से इसे काट लेंगे। ये देखिए किनारों को काटते हुए मैंने इसे राउंड शेप दे दिया है। अब वो जो फिलिंग है वो भी मेरी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पर एक ही साइज़ की मैंने यहाँ पे 4 बाउल ली हैं, आप कोई भी साइज़ का कटोरी ले सकते हैं। इसे हल्का सा हम लोग ग्रीस कर देंगे, जिससे कि हमारे नाश्ते को निकालते समय हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब इस कटोरी के अंदर जो हमने ब्रेड को काटा था उसमें से 1 ब्रेड हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे। इसके बाद इसमें ब्रेड के नाश्ते में थोड़ा क्रंचीनेस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ी मोटे स्लाइस की प्याज काटेंगे और इसमें 1 प्याज का स्लाइस रखेंगे। इसके बाद जो हमारी फिलिंग है वो जो है इसके अंदर डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच हमें इसके अंदर फिलिंग डालनी है। आप इस बात का ध्यान रखें कि फिलिंग जो है हमारा गर्म ना हो, नहीं तो हमारा जो ब्रेड है वो अंदर से सॉगी हो जाएगा। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग इसके अंदर सेट कर दें। यहाँ पर मैंने चारों ब्रेड को इस कटोरी के अंदर में सेट कर लिया है, फिलिंग को भर दिया है। अब एक पैन लेंगे, उसमें स्टैंड के ऊपर एक जाली रखेंगे और 1 से 1.5 कप पानी डाल करके इसे खोलने के लिए रख देंगे। तब तक हम लोग अपना बैटर चेक कर लेते हैं। हमारा बैटर देखिए बिल्कुल रेस्ट हो करके बिल्कुल फ्लफी हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी और 1 से 1.5 चम्मच आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं डालेंगे और इसके बाद इसे अच्छे से हम लोग फेंट लेंगे, जिससे हमारी चीनी इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पर डालेंगे एक जो है चम्मच इनो पाउडर। इनो पाउडर बिल्कुल जब हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो जाए तभी इनो पाउडर झट से डालें और इसके बाद इसे स्टीम होने के लिए रख दें। पहले से इनो पाउडर डालने से जो फर्मेंटेशन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये देखिए हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल दुगना हो चुका है अपनी क्वांटिटी में और कितना स्मूथ बैटर बन करके तैयार हुआ है। इससे जो हमारे नाश्ते हैं वो बिल्कुल स्पंजी बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा पानी भी खोल चुका है, जो हमने 4 बाउल तैयार किया था उसे इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर से जो हमारा बेसन का बैटर है जिसे हमने तैयार किया है उससे इस सारी फिलिंग को हम लोग हल्का हल्का डालते हुए इसे पूरी अच्छी तरह से ढक देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक चम्मच पहले डाला है और इसे अच्छे से भरने के बाद देखिए इसे ढक लेंगे। 1 से 1.5 चम्मच बैटर में ही हमारा ये पूरा नाश्ता जो है बिल्कुल अंदर तक सेट होकर के बिल्कुल अच्छे से
कवर हो जाता है। देखिए यहाँ पर सारा मेरा नाश्ता कवर हो चुका है। अब इसे हम लोग स्टीम करने के लिए ढक करके देंगे। अब यहाँ 3 से 4 मिनट या 5 मिनट लगेंगे और ये हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। आप एक टूथपिक की सहायता से इसे चेक भी कर सकते हैं। अगर वो क्लीन बाहर निकलता है, इसका मतलब हमारा नाश्ता अंदर तक स्टीम हो चुका है। और आप देख भी सकते हैं बिल्कुल स्पंजी, जो ऊपर तक बिल्कुल स्टीम हो करके हमारा नाश्ता जो है आ गया है। अब इसे हल्का ठंडा करने के बाद चाकू से किनारों को खुरचते हुए हम लोग इस नाश्ते को डीमोल्ड करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें, और अगर चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नाश्तों की नोटिफिकेशन आपको या वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये देखिए, आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितना हेल्दी और स्पंजी नाश्ता हमारा बन करके तैयार हुआ है। ऐसे बहुत सारे हेल्दी नाश्ते जो कम तेल मसालों से मैंने बनाए हैं, जिसे आप लंच बॉक्स या टिफ़िन बॉक्स या सफ़र में लेकर के जा सकते हैं, अपने चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है। आप चैनल पर एक बार चेकआउट ज़रूर करें, विजिट करें, और मेरे वीडियो को लाइक अगर अच्छी लगती है तो लाइक करके फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है। यहाँ पर देखिए, मैं काट करके दिखाती हूँ। अंदर से हमारा ढोकला बिल्कुल सैंडविच की तरह फ्लफी और ऊपर से बिल्कुल ढोकले की तरह कितना स्पंजी बना है। ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप इसे ट्राई